वेलकम टू एग्री स्टार यूट्यूब चैनल। मैं हरप्रीत आपका स्वागत करता हूं एग्री स्टार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कवर अप करने वाले हैं ग्राम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं IBPS AFO की या फिर ICAR की या फिर NABARD की और एनी अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राम के ऊपर। मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूँ इसी वक्त कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज़, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। तो मेक श्योर योर नोटबुक एंड पेन आपके पास हो, ठीक है। पॉइंट नंबर वन, बोटैनिकल नेम ऑफ देसी ग्राम और ब्राउन ग्राम, देसी ग्राम और ब्राउन ग्राम इज साइसर एरियंटिनम, साइसर एरियंटिनम। बोटैनिकल नेम ऑफ काबली और वाइट ग्राम इज साइसर काबली, साइसर काबलियम। पॉइंट नंबर थ्री, एक मिनट, पॉइंट नंबर थ्री, द ओरिजिन प्लेस ऑफ चिक पी इज साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द सो टेस्ट ऑफ लीव्स एंड पोड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड 90-96% एंड ऑक्जैलिक एसिड 4-10%। पॉइंट नंबर सिक्स, ग्राम इज C3 प्लांट, ग्राम क्या है, C3 प्लांट है। पॉइंट नंबर सेवन, द फ्रूट ऑफ ग्राम इज नोन एज पोड, द फ्रूट ऑफ ग्राम इज नोन एज पोड। पॉइंट नंबर एट, प्रोटीन कंटेंट इन ग्राम इज 21.1%, जो उसमें प्रोटीन कंटेंट है वो ग्राम में कितना है, 21.1, ठीक है। ये कुछ डाटा होता है, आप नोट करते जाना, ऐसे सीधा याद नहीं होगा, ठीक है। इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, फिर ही आपको याद होगा। पॉइंट नंबर नाइन, द जर्मिनेशन टाइप ऑफ ग्राम इज हाइपोजियल। पॉइंट नंबर टेन, चिक पी इज अ विंटर सीजन क्रॉप, इट इज हाईली सुसेप्टेबल टू फ्रोस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज। पॉइंट नंबर इलेवन, सैंडी लोम टू क्ले लोम इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्राम कल्टिवेशन, जो सैंडी लोम टू क्ले सोयल है वो मोस्ट सुटेबल माना जाता है ग्राम की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर ट्वेल्व, फॉर अर्ली सोन ग्राम क्रॉप द सीड रेट इज 75-80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो हम जो फसल को, जो ग्राम की फसल होती है, अगर जो उसकी वैरायटी अर्ली सोन है, मतलब उसको हम जल्दी सोन करते हैं, तो उसका सीड रेट क्या होगा, 75-80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पॉइंट नंबर थर्टीन, द ऑप्टिमम सोइंग टाइम फॉर ग्राम इज सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, जो उसका मतलब ऑप्टिमम सोइंग टाइम है ग्राम का, वो कब है, 15 से 30 तारीख तक, ठीक है। सेकेंड फोर्टनाइट का मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट होता है 1 से 15 तक, पहले 15 दिन, ठीक है। सेकेंड फोर्टनाइट होता है 15 से लेकर 30 दिन, सेकेंड 15 वाले दिन, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर ग्राम सोइंग इज 30 to 10 सेंटीमीटर, 30 into 10 सेंटीमीटर, जो 30 है वो रो टू रो है एंड जो 10 है वो प्लांट टू प्लांट है, जो स्पेसिंग है, ये आप नोट कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द सीड शुड बी प्लेस्ड 8 to 10 सेंटीमीटर डीप बिकॉज द शेलो सोन क्रॉप इज मोर लायबल टू
बी डैमेज्ड बाय विलेट। जो उसका सीड है वो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप सोन किया जाता है। अगर हम उसकी जो डेप्थ है वो कम रखते हैं तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डैमेज होने के। डैमेज किसके? विलेट के द्वारा चांसेस होते हैं उसके डैमेज होने के, ठीक है। पॉइंट नंबर 16, द रूट्स यूजली इंक्लूड अ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग टैप रूट विद न्यूमरस लेटरल ब्रांचेस डैट स्प्रेड आउट ऑल डायरेक्शन इन द अपर लेयर ऑफ द सोइल्स, ठीक है। जो उसकी रूट होती है वो क्या होती है? टैप रूट होती है। पॉइंट नंबर 17, द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स डैट फिक्स अप एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन। मतलब उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, पौधे के जो रूट हैं उनके उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। उन नोड्यूल्स में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। आपने पढ़ा होगा जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में जो प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है। पॉइंट नंबर 18, क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज इज प्री फ्लावरिंग पॉड डेवलपमेंट। सो डैट्स फॉर टुडे गाइस, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, अपने लिए निकाला और इस वीडियो को आपने क्लिक करा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी सोच रखूँगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और नया ढूँढ कर लाऊँ। तो गाइस, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं कल इसी टाइम।